डेली पंजाब की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी न्यू वीडियो से बाखबर रहने के लिए। तो हम मेरे साथ मौजूद बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और शख्सियत मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि मलिक फयाज़ साहब ने जो सॉन्ग पेश किया आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि आज मैं इनके सामने बोल रहा हूं और इन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने इनसे अपने ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे वाले साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी सर, आप बताइए कि मलिक फयाज़ अहमद साहब ने जो डेली पंजाब के बारे में सॉन्ग पेश किया है इस हवाले से और डेली पंजाब टीम के हवाले से जो हम वर्क कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी नाजरीन, जैसा कि फयाज़ साहब से आपने सुना और ये हमारी स्पेशल दावत पे इस सालगिरह में शामिल हुए हैं, हम इनका तहे दिल से मशकूर हैं और उन्होंने और भी बहुत से गीत लिखे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। और मैं ये जो डेली पंजाब की टीम है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि अभी ये यंग लड़के हैं और इन्होंने एक चैनल में अपनी सोशल मीडिया पर एक धूम मचा रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये चैनल अपनी असल मुकाम तक पहुँच जाएगा। और जहाँ भी जाते हैं और इनको एक इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई मिलती है और लोग इनके चैनल को बड़ी देर से देख रहे हैं और अच्छा फ़र्क कर रहे हैं और इनकी बदौलत आज ये सालगिरह कसूर के अंदर मुनक्कद की गई है जिसमें हमें भी शामिल किया गया है। और इस टीम वर्क में तकरीबन बहावल नगर, उकाड़ा, साहिवाल, आरवाला, पाकपतन और कसूर से इस चैनल में जो दोस्त अहबाब इसमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। और मेरी दुआ है इनके लिए कि इनको सुबह शाम दिन रात तरक्की की मनाजिल मिले। और मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान जनाब कसूरी साहब, फयाज़ कसूरी साहब, जिन्होंने जब भी हमने इनको बुलाया है और इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और लाते रहे हैं। और इसके अलावा जो मैं असल बात करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल की मदद से अपने कारोबार में अपनी कोई नाकामी की वजह से या कोई कारोबार में तरक्की चाहते हैं या कोई ऐसी खबर जो आप लोगों की रह जाती है, मिस हो जाती है, या इंटरव्यू की मदद से आप अपने आप को तशहीर कर सकते हैं और आपकी बात हम पूरे वर्ल्ड में पहुँचा सकते हैं। ये देखने को तो एक बहुत छोटा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, लेकिन यूट्यूब की खबरें पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, पूरे लोग देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को वो इज़्ज़त मिल रही है जो कभी मैंने पहले किसी और चैनल में नहीं देखी। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन। जी तो नाज़रीन, आपने ज़ुल्फ़िकार नादर साहब की बातें सुनी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें थी और मोटिवेट बातें थी, हमारे डेली पंजाब चैनल को चार चांद लगाने वाली बातें थी। हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, जब तक हमारे बड़े हमें सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम कामयाब होते रहेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही वो शख्सियत हैं जो हमें हर चीज़ की को गाइड करते हैं कि बेटा आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, आइंदा आपने मिस्टेक नहीं करनी। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ एक और फेमस पर्सनैलिटी मौजूद है, मलिक अल्लाह रखा, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि डेली पंजाब चैनल के बारे में और जो आज बर्थडे मुनक्कद हुई है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन ये चैनल जड़ा है ये वेखण छोटा चैनल तो मालूम हो रहा है, लेकिन इन्हें सफर आगाज़ जड़ा किया बैडबल इलाके चुलस्तान तो किया और असं ये वेख्या कि यूट्यूब के चैनल पर इन्होंने जोड़े लोगों को मिडिल क्लास लोगों को अगे लिया है जिड़िया छुपिया हुई चीज़ा सन, इन्होंने एक बैकवर्ड इलाके एक फनकार उभराया, उन्होंने रमजान जानी सी चिस्तियां रहने वाला सी, असी उन्होंने सुनया, उन्होंने किसी अज तक नहीं सुनया, इन्होंने चैनल ने इन्नी तरक्की की कि उन्होंने अरूज पर पहुँचा दिता और बुलंदियों पर पहुँचा दिता। उस तो बाद साढ़े कसूर की शख्सियत जनाब फयाज़ साहब ये छुपे हुए सन, छुपे रुस्तम सन और इन्ह की आवाज़ जी सी वो किसी चैनल नहीं सी लै रहा और इस चैनल ने इन्हों इस मुकाम तक पहुँचाया कि अच्छे साढ़े शामिल ने और मौजूद ने और माशाल्लाह इन्हें इन्नी अच्छी आवाज़ है
के बुलंदियों तक पहुँचा दीती है। असी दुआ को हाँ कि इस चैनल में रब दिन रात चुगनी तरक्की अदा फरमावे और साड़ियाँ दुआं साढ़े नाल ने इन्हों के नाल ने। दूसरे नंबर से जनाब मैं कहना चाहना कि अगर किसी किस्म का भी कोई किसी किस्म की खबर नहीं पहुँचती ये चैनल रबता करो, इनू लाइक करो और इनू शेयर करो अगे दोस्तों अगे और इंशाल्लाह तला कोई भी खबर है ये तुहाडी इंशाल्लाह तला पहुँचाएंगे उपर तक। और ये यूट्यूब चैनल ना समझो, ये समझो कि पूरे पाकिस्तान छा गया चैनल और असी जिहड़े मतलब दिहात दे लोग हाँ असी बड़े खुश हाँ कि जनाब ये चैनल जिहड़ा दिहात की अकासी कर रहा है और दिहात दे जिहड़ी तस्वीर इन्हें पेश की है। देखो जी बैकवर्ड के इलाकों के चौलस्तान जो शुरू होया कसूर तक पहुँचा, कसूर तो लाहौर पहुँचा और फैसलाबाद पहुँचा और कितने कितने की खबर इन्होंने मेरा मतलब लिया और उन्होंने लोगों को इतने अगे लिया और स्क्रीन पर लिया कि जिन्होंने लोगों को कुछ जानता नहीं सी। और इन्होंने लड़कियों की मैं इन्होंने मतलब इस चीज़ की बड़ी शाबाश देना कि इन्होंने जनाब बड़ी मेहनत की है और दिन रात करके इस चैनल में इस रूज तक पहुँचाया और इस सालगिरह से मैं इन्होंने मुबारकबाद देना जी। नाज़रीन बहुत शुक्रिया।